का ये भी चलेगा, चाहे वो झूल क्यों नहीं आ जाए। नहीं भैया, हाँ मैं सोमैया स्कूल में एप्लीकेशन चाहिए। क्या बोल रहे हो आप? बात करने तो ही नहीं, आगे तेरा बात करते हो लोग। ट्यूशन फीस पे करेंगे स्कूल की और एक्स्ट्रा कोई। क्या वजह है सिर्फ ट्यूशन फी देना चाहते हैं आप लोग? कि लॉकडाउन लगा है, कई लोगों के रोजगार जा चुके हैं। इसके अलावा जो भी कमा रहे हैं वो खुद 50% 40% 70% सैलरी पे कमा रहे हैं, उनके पास भी पैसे नहीं आ रहे हैं। अब तक के फर्स्ट पूरी फीस पे करता है, अब हालात ऐसे, इसीलिए हम लोग सिर्फ ट्यूशन फी पे करेंगे जो बनती है। सेकेंड थिंग पीटीए, ये पूरे मुमरा का हाल है। पीटीए बनता कब है, इलेक्शन कब होते हैं, मेंबर्स कौन बनते हैं, हमें कुछ खबर नहीं है। पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। और एस पर पीटीए एक्ट जो फीस हाइक होना है हर साल की, या एक्चुअल में 75% पेरेंट्स अप्रूवल के बाद ही जो है वो आप फीस हाइक कर सकते हो। दिस इज द एक्ट। ओके, जो हमको मालूम नहीं पड़ता है, हम अगले साल फीस भरने जा रहे हैं, बस हमको रिसिप्ट दे दी जाती है, हम फी पे करके आ जाते हैं। तो पीटीए इलेक्शंस हो, मालूम पड़े, हर पीटीए क्लास के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका नाम, उनका नंबर हर पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए। इलेक्शंस हो गए और उसके बाद में जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा उसका नाम, उनका नंबर हर बच्चों के कैलेंडर पे होना चाहिए। और बाकी के टाइम भी जो हर साल फीस बढ़ती रहती है उसमें भी तो कुछ कर सकते हैं ना। ये आए साल 100 रुपया 150 रुपया जो फीस बढ़ती है, तो हर साल बढ़ाने की जरूरत क्या है? हर साल बढ़ाने की जरूरत क्यों, हर साल बढ़ता है? ये बोला गया था 1800 रुपया जो सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड की फीस 1700-1800 रुपया रहती है, वो किस हिसाब से 1800 रुपया सेकंड स्टैंडर्ड का, तो थोड़ा बहुत ज्यादा है। इसमें भी अगर कुछ कर सकते हैं तो वो भी चलेगा। लास्ट ईयर 500 बढ़ा है एक अचानक से। मेरे कहने का मतलब है 2019 में 500 एक बार में बढ़ गया है, वो भी नहीं बंद। और बच्चों का ये बोला गया 10th स्टैंडर्ड का कि अगर आप फीस नहीं भरोगे तो हम लोग नेक्स्ट मंथ उनके फॉर्म्स नहीं भरेंगे बच्चों के। पूरी फी पेपरों में तक, उसके बाद ही आपको रिजल्ट दिया जाएगा, उससे पहले आपको रिजल्ट नहीं देंगे। महीने का फीस आप लोगों ने किसके 14 को ही मैंने पे कर दिया। इशू जो है वो कर जून से है। हाँ, और उसमें भी उन लोगों ने हर चीज को इंक्लूड करके हमको फीस दिया। रिजल्ट के लिए भी एप्लीकेशन लिख के दो, रिजल्ट आपको चाहिए तो एप्लीकेशन लिख के दो। अगर तुम पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ाओ, नहीं तो निकाल दो। नहीं तो आपको अगर नहीं होता है तो आप अपने बच्चों को निकाल दो। सही है, बिल्कुल सही है। और जितना भी ऑनलाइन पढ़ाई आ रही है उतना बच्चा कंफर्म नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। ओवर लिमिट पीडीएफ फाइल भेज रहे, ओवर लिमिट पीडीएफ फाइल, एक दिन में 4 से 5 लेसन भेजते हैं, 10, 11, 12, 13, 14। इतना छोटा बच्चा कैसे करेगा? डेली स्कूल में 5 घंटा आता है बच्चा, एक लेक्चर अटेंड करने के लिए कितना टाइम लगता है, और एक दिन में ये लोग 5 लेसन लेते हैं, तो बच्चा किस तरीके से पढ़ाई करेगा? कर ही नहीं सकता बच्चा पढ़ाई है इंग्लिश का। और अपना सीनियर केजी का तो इतने सारे ड्राइंग्स वगैरह पीडीएफ फाइल में भेज रहे, ये अपने पेरेंट्स ही खुद ड्राइंग बना के वो लोगों को दिया जा रहा है। पेरेंट्स कितना करेंगे जो जाहिल है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपने बच्चों को हाई क्वालिटी की पढ़ाई देना चाहता है, वो लोग किस तरीके से ड्राइंग बना रहे होंगे, वो लोग किस तरीके से पढ़ा रहे होंगे बच्चों को, वो बताओ आप। हम तो पढ़ा नहीं पाएंगे और कोई नहीं पढ़ा सकता है।